आज की वीडियो में कुकिंग से हटकर क्लीनिंग से हटकर कुछ थोड़ा डिफरेंट आपके साथ शेयर करने की मैंने कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शुगुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो जैसे कि मैंने ईद प्रिपरेशन पार्ट वन में शॉपिंग दिखाई थी और मैंने सिर्फ बताया था कि हमने कौन कौन सी ब्रांड से कपड़े लिए हैं, तो मैंने कहा था कि मैं शॉपिंग बाद में दिखाऊंगी। बट रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी थी, रमज़ान चल रहा था, फिर लास्ट डेज थे, इबादत के भी डेज थे, तो जिसकी वजह से मैं सेपरेटली ड्रेसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी और उनको आपको दिखा नहीं सकती थी। बट ईद के डेज में मैंने उनको पहना और आपने उन्हें देखा, तो आप मैं आपके साथ उनकी डिटेल्स शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि ईद के फर्स्ट डे जो मैंने ड्रेस पहना था वो कैसा ड्रेस है, उसका फैब्रिक क्या है और उस पर डिज़ाइनिंग क्या हुई हुई है और वो मैंने कौन सी ब्रांड से लिया था। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ। ज़्यादातर मैं अपने कपड़े ख़ुद से डिज़ाइन करती हूँ, उनका फैब्रिक लेती हूँ, एम्ब्रॉयड्रीज़ करवाती हूँ और जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो मैं ख़ुद ही करती हूँ। और जो मैंने दावत पे ब्लैक ड्रेस पहना था वो वाला मैंने ख़ुद से डिज़ाइन किया था और उसका फैब्रिक टोटली डिफरेंट है। इंशाल्लाह आपके साथ उसकी डिटेल्स भी डिस्कस करूँगी, आपको अच्छी लगेंगी। अच्छा, तो ये वाला ड्रेस था जो कि मैंने पहना था ईद के फर्स्ट डे को, और ये इस पे जो फैब्रिक यूज़ हुआ हुआ है ये है प्योर क्रिंकल शिफॉन का और इस पे थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है एंड प्लस इसमें ये बाजू में प्लीट्स के साथ डिज़ाइनिंग है एंड इसके साथ यहाँ पे लेस भी लगी हुई है, और जैसे ये सीढ़ी लेस होती है ना वैसे ही, बट इट्स अ बिट डिफरेंट एंड क्यूट वन। और फिर इसके ऊपर नेक लाइन बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट काम है। ये देखें नेक लाइन है, इसके साथ थ्रेड का काम भी है और गोटे का भी काम है, तिल्ला गोटा जो होता है ना उसका। और फिर यहाँ पे ये इसकी जो ये मोटिव्स बने हुए हैं, इन मोटिव्स के साथ यू लुक लाइक टॉल एंड स्मार्ट। तो मुझे इसके कट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और मैं अभी आपको इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ। इसके साथ में ट्राउज़र भी बहुत अच्छा ग्रिप का ट्राउज़र है, प्योर ग्रिप का ट्राउज़र है, और ये मैंने लिया था आगा नूर से। आई कैन शो यू फ्रॉम द क्लोज, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब मैं इसमें से निकाल के दिखाती हूँ आपको ट्राउज़र। बहुत अच्छी तरह से ट्राउज़र बना हुआ है, जैसे कि बेल्ट है एंड दिस इलास्टिक शोइंग यू कि मुझे किस वजह से ये सूट पसंद आया था, और आई होप आप लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए। एंड नाउ आई विल शो यू दुपट्टा ऑल्सो। अब ये देखिए इसका दुपट्टा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे जो इस पे चीज़ अच्छी लगी थी, इन्होंने दुपट्टे पे भी उसी तरह से प्लीट्स बनाई हुई थी और सीढ़ी लेस लगाई हुई है जिस तरह की इसकी स्लीव्स के ऊपर काम है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड देन इसका बॉर्डर भी उसी तरह से एम्ब्रॉयड्री थी जिस तरह से कि इसकी एम्ब्रॉयड्री शर्ट पे भी है, तो ये बहुत ही क्लासी लग रहा था, तो मैंने इसको पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। और फिर मैं मैचिंग्स में बहुत ज़्यादा जाती हूँ, कंट्रास्ट में भी जाती हूँ, बट मुझे ये होता है कि मैं अब अगर कंट्रास्ट में भी जाऊँ तो पर्स और शूज़ जो भी मैं इसके साथ पहनूँ वो मैचिंग हों, तो अगर कंट्रास्ट में होंगे तो दोनों चीज़ें मैचिंग होनी चाहिए, और सेम अगर कलर में जाऊँगी तब भी पर्स और जूता सेम होना चाहिए।
तो इसके साथ जो मैंने जूता चूज किया है ना, इट्स दिस वन। अच्छा, आप इसके साथ मल्टीपल शूज पहन सकते हैं। अब मैंने ये क्यों किया, इसमें थ्री शेड्स हैं, पिंक है, ऑरेंज एंड द रेड वन। रेड इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है एंड जो इसके अंदर तिल्ले और कोटे का काम है और साथ में एम्ब्रॉयडरी है, उसमें पिंक शेड्स भी हैं। और थ्री शेड्स इसके अंदर होने की वजह से, और जो गोल्डन शेड है ना वो ऑरेंजेस शेड दे रहा है इसके अंदर, इस वजह से मैंने इस जूते को चूज किया। और फिर इसके साथ मैंने ये क्लच चूज किया, ये इसमें ऑरेंज भी है एंड दिस। आई लव दीज शूज इन द क्लच टू। और ये आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाती हैं। हर शॉप पे डिफरेंट डिजाइन्स में जूते भी होंगे, क्लच भी होंगे, बट यू कैन गेट देम। सेम चीज तो ऑफ कोर्स आपको नहीं मिलती। और ये मेरे बहुत पुराने हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखती हूँ एंड ट्रस्ट मी, मैं 4 साल 6 साल 10 साल पुराने भी जूते और कपड़े बहुत अच्छी तरह से संभाल कर यूज करती हूँ। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इसको, जैसे कि मैंने ईद के दिन पहना था और जो मैंने ईद के थर्ड डे आपको लाइट मेकअप का ट्यूटोरियल दिखा दिया था ना, उस मेकअप के साथ इसको मैं ईद पे पहन सकती हूँ, किसी भी पार्टी में पहन सकती हूँ, लाइक विद वेरी लाइट ज्वेलरी। रिंग्स अगर मैं पहनूंगी तो बिल्कुल बारीक रिंग्स इसके साथ पहनूंगी और इसको मैं दुपट्टा गले में डाल के एंड दैट्स इट। इसके साथ जूता आप गोल्डन भी पहन सकते हैं, सिंपल प्लेन जो रेड जूता होता है, रेड पर्स होता है, आप वो भी ले सकते हैं। आप इसको फैंसी भी कर सकते हैं। और आप अगर आप इस सूट को शादी में पहनना चाहते हैं तब भी आप पहन सकते हैं। उसके साथ आप मेकअप हैवी कर लें, इसके साथ आप जूता फैंसी, क्लच फैंसी ले लें। अच्छा, मैं पार्टीज में भी फैंसीज की तरफ जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एलिगेंट होना और डिफरेंट लगना, प्रोमिनेंट होना मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए इसके साथ जो है मैंने तो ये चूज किया। आप इसके साथ बड़े इयररिंग्स पहन लें, हैवी मेकअप, बड़े इयररिंग्स पहन लें, आप बैंगल्स पहन लें, बड़ी रिंग्स पहन लें, तो आप शादी में इसको पहन के जा सकते हैं। और फिर दुपट्टा आप इसको खोल कर भी ले सकते हैं। अच्छा, इस वक्त जो मैंने मेकअप किया हुआ है बिल्कुल लाइट वही मेकअप किया है जिसका मैंने ट्यूटोरियल दिखाया है, और हैवी मेकअप बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप बाल, अब जैसे बाल कैजुअली मुझे खोलना अच्छा लगता है, आप चाहें तो हेयर स्टाइलिंग भी दे सकते हैं, आप ब्लो कर सकते हैं, आप रोल कर सकते हैं अपने बालों को, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। हर किसी को ये पता होता है कि हम पे कपड़े कैसे अच्छे लग रहे हैं, हेयर स्टाइल किस तरह का अच्छा लगता है, तो आप उस तरह से उसको कैरी कर सकते हैं। बस सिर्फ बात कैरी करने की होती है। तो अब मैं आपको ये ड्रेस पहन कर दिखाती हूँ इस इन शूज के साथ, इन इस क्लच के साथ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ अगर मैं हैवी ज्वेलरी पहनूंगी तो मैं किस टाइप की पहनूंगी। हैवी ज्वेलरी में आप पूरा सेट भी पहन सकते हैं, जैसे मार्केट में तो बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। और ये सूट मैंने आगा नूर से लिया था, रमजानुल मुबारक स्टार्ट होने से भी 1.5 मंथ बिफोर। इस ड्रेस के साथ जो मैंने एक्सेसरीज चूज की हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रखी हुई थी ना बॉक्स, इसमें बैंगल्स हैं, इयररिंग्स हैं। अच्छा, अब आप देखें कि इसको आप इस तरह से ले लें एंड विल लुक ऑसम। फुल ऑन फैंसी लग रहा है अगर आप इसको हैवी ज्वेलरी और बैंगल्स के साथ पहनते हैं, हैवी मेकअप करते हैं। और अब अगर मैं इसको कैजुअल में पहनूंगी लाइट ज्वेलरी के साथ, और मैं दुपट्टे को ऐसे फोल्ड करूंगी, जैसे कि मैंने पहले बताया भी था, जब
दुपट्टे को नेक में डालना होता है तो हाउ डू आई फोल्ड इन अ वेरी सिंपल एंड इजी वे. लुक एट दिस और अब इसका बॉर्डर आ जाएगा इन फ्रंट ऐसे लाइक दिस. तो अब इसकी कॉर्नर्स लटक नहीं रहे हैं और दुपट्टा बहुत ही एलिगेंट लग रहा है. एंड देन कैरी दिस द क्लच. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ मैंने ज्वेलरी कौन सी चूज की है और बैंगल्स कौन सी चूज किए हैं. तो आ जाए. अच्छा, आप जैसे ये मैंने निकाले थे ड्रॉर में से, इसके साथ जो मैंने इयररिंग्स चूज किए हैं दे आर दिस हैवी इयररिंग्स. में अगर आपने इसको शादी में इसको पहनकर जाना है तो आप ये इयररिंग्स ले सकते हैं. अगर आपके पास इसके साथ का नेकलेस भी है तो यू कैन वेयर दैट टू. तो मैं बिल्कुल छोटे नेकलेसेस प्रेफर करती हूँ. और अगर मैं कैजुअल में जाऊँगी ना तो आई विल वेयर दीज. सिर्फ कैजुअल पार्टी के लिए आई विल वेयर दीज द इयररिंग. दे आर सो एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल एंड दे आर गोइंग विद दिस टू विद माई शूज. अच्छा, अब इसके साथ मेरे पास टू टाइप्स ऑफ बैंगल्स हैं. गोल्डन भी हैं, ओनली द गोल्डन. इफ आई एम गोइंग विद दिस गोल्डन आई वॉन्ट. और इस गोल्डन के अंदर भी बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन है, मल्टी कलर्स हैं, जो कि आई होप कि आपको कैमरा में नज़र आ रहे हूँ. और दूसरी तरफ अगर मैं पिंक की तरफ जाती हूँ तो आई वेयर दीज टू जी. अच्छा, अब आप इनमें से एक साइड पे कड़े पहन सकते हैं और दूसरी साइड पे चूड़ियाँ. तो चूंकि मुझे एक साइड पे वॉच पहननी होती है तो मैं ये बैंगल्स पहनूंगी. अब ये बैंगल्स मैं पहनूंगी शादी वगैरह पे जाने के लिए, हैवी जब मुझे मेकअप करना है हैवी ज्वेलरी के साथ. अगर मुझे पार्टी में जाना है तो मैं ये वाली बैंगल्स नहीं पहनूंगी, या किसी गेट टुगेदर में जाना है तो मैं इन इयररिंग्स के साथ ब्रेसलेट पहनूंगी इन अनदर हैंड. तो वो बहुत ही एलिगेंट लगता है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लगता है एंड यू लुक गॉर्जियस. तो आई होप कि आपको मेरा ड्रेस और एक्सप्लेनेशन ऑफ माय ड्रेस पसंद आई होगी. और मैं आपको अच्छी तरह से आई होप कि इसको डिस्क्राइब कर सकी होंगी आपके लिए. अब ये ड्रेस मैंने क्यों चूज किया, जैसे ही मौसम चेंज होगा और समर्स आ जाएंगी आप इनको इजीली इस ड्रेस को समर्स में पहन सकते हैं. जो प्योर क्रिंकल शिफॉन होता है ना, और इसके साथ जो इन्होंने लाइनिंग लगाई है, दिस इज आल्सो ऑफ ग्रिप. और ये जो ग्रिप होती है ये भी ठंडी होती है, और जो प्योर ग्रिप है वो तो डेफिनेटली गर्म नहीं होती. आप इसको समर्स में इजीली पहन सकते हैं. ऑफ कोर्स विंटर्स में पहनने के लिए हमारे पास जामावार होता है हमारे पास, और बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं. इंशाल्लाह आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगी. आई हैव लॉट्स ऑफ कलेक्शन टू डिस्कस विद यू गाइस. और फिर मैं आपको एक और विदास की बात बताऊंगी. आई होप कि आपको ये स्टाइल अच्छा लगे. तो चलें इंशाल्लाह. अगर आपको मेरे ये ड्रेस और इस ड्रेस की डिस्क्रिप्शन, मैंने जो आपको डिस्क्राइब किया, इसकी सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की, आपको अच्छा लगा है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ आपको कम्प्लीटली ज्वेलरी पहनकर और हैवी मेकअप करके दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जो मैं आपके साथ ड्रेस डिस्कस करूंगी तो फिर मैं उसके साथ कंप्लीट हैवी मेकअप भी करके दिखाऊंगी एंड ज्वेलरी भी. तो सी, अब बात करते करते मैंने पहन लिए. लुक एट दिस, दे आर लुकिंग ऑसम. अच्छा, अब मैंने जो लाइट मेकअप किया हुआ है उसके साथ लाइट वाले इयररिंग ज़्यादा अच्छे लगेंगे. और मैंने लिपस्टिक भी बिल्कुल लाइट पीच लगाई है, तो
कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर ड्रेस हेवी पहन रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके साथ मेकअप लाइट करें, और अगर हम लाइट ड्रेस पहन रहे हैं तो उसके साथ मेकअप हेवी कर लेना चाहिए, ज्वेलरी हेवी पहन लेनी चाहिए। तो अब चूंकि मैंने इस ड्रेस के साथ यही जूते और पर्स चूज किया हुआ है फैंसी में, तो मैं उसके साथ लाइट इयररिंग्स पहनूंगी एंड लाइट मेरा मेकअप भी है और बिल्कुल कैजुअल सा मेरा हेयर स्टाइल भी है। ओप्स, दैट्स डन ओके, इट इज डन। अच्छा, अब आप इसको यू यू कैन लाइक कीप योर हेयर टू वन साइड जस्ट टू इफ यू नीड टू शो योर इयररिंग्स, और आप चाहते हैं कि एक साइड से आपके इयररिंग भी नजर आए, और आप बालों को इस तरह से भी कर सकते हैं, इतना बाल डाल के और इस साइड से बाल पीछे भी कर सकते हैं। एनीथिंग यू वॉन्ट टू डू, यू आर योर ओन बॉस, हम अपने बॉस खुद होते हैं। हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, हमें वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लग रहा होता है। और डेफिनेटली जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो सब अच्छा लगता है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा हो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह विद वेरी ब्यूटिफुल एंड डिफरेंट क्लासी आइडियाज़ के साथ। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत और पीसफुल बना कर रखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और खुश रखें, और अगर आपकी अप्रिसिएशन से कोई खुश होता है, उसको खुशी महसूस होती है, तो ज़रूर अप्रिशिएट करें। एंड ट्रस्ट मी, दूसरों को खुशी देने से हमें ख़ुद को भी खुशी मिलती है। तो अब यहाँ पे मैं फुल ऑन आपको ड्रेस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट हाउ मच क्लासी इट्स लुकिंग लाइक।